नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दिल्ली न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आज दिनांक 19 दिसंबर 2021 को पुलिस पब्लिक अमन कमेटी व न्याय सब के लिए दोनों संस्थाओं की हुई मीटिंग। आपको बताते चलें कि पुलिस पब्लिक अमन कमेटी व न्याय सब के लिए दोनों संस्थाओं ने साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया, जिसमें दोनों कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल रहे। पुलिस पब्लिक अमन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नईम प्रधान सेफी जी ने बताया कि हमारी संस्था पहले से ही समाज सेवा में तत्पर रहती है। हमने हमेशा ही देश हित के लिए काम किया है। आज जब न्याय सब के लिए संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चांद मोहम्मद जी से मुलाकात हुई तो दोनों अध्यक्ष ने मिलकर काम करने के कुछ नए तरीके निकाले, जिसमें दोनों संस्थाओं के काम करने का एक ही मकसद होगा जो देश सेवा के लिए ही होगा। दोनों संस्थाओं की पूरी टीम शामिल रही, जैसे एडवोकेट श्री आर के पौदार, मीडिया प्रभारी श्री सलीम अंसारी, राष्ट्रीय सलाहकार श्री इमरान अहमद शाहदरा, सह जिला अध्यक्ष दानिश खान, फिरोज आलम चेयरमैन सईद नगर साहिबाबाद से, सचिव श्री देव कुमार, सचिव किस्मत अली व कई महिलाएं भी शामिल रही। इकरा अमरीन चौधरी, सचिव रेशमा जी, शाजिया शबाना जी, शहाना व दोनों संस्थाओं की टीम शामिल रही। भाईचारा कमेटी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के अंदर डीसीपी संजय सेन साहब ने ये बनाई है, और थाने के हर थाने से 6-6, 7-7 आदमी जो जिम्मेदार हैं इलाके के अंदर, इसकी लोग बात मानते हैं, उनको लिया गया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ, डीसीपी साहब का। उन्होंने एक अच्छी पहल नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू करी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऊपर वाले उनको तरक्की और कामयाबी दे, और हम सब साथ मिलकर उम्मीद जो जगाई है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उम्मीद जगाई है, उस उम्मीद पर हम सभी लोग खड़े उतरे। और मैं डीसीपी संजय सेन साहब को और उनकी पुलिस टीम को, एसएचओ साहब को, एसीपी साहब को, मैं सबसे ये वादा करता हूँ कि हम सब मिलजुल कर समाज की अच्छी सेवा करेंगे और भाईचारा इलाके में कायम करेंगे। और डीसीपी साहब के लिए मैं दुआ करता हूँ कि बहुत जल्द ये दिल्ली के अंदर डीसीपी नहीं, एक सीपी के रूम में हम इनको देखें। हम दोनों ही साथी और साथ में हमारे एडवोकेट साहब हैं, आर के पोदार साहब और इमरान भाई, और हमारी पूरी टीम मिलकर के नईम भाई के साथ में पूरा सहयोग करेंगे और मिलकर के साथ काम करेंगे, और इंशाल्लाह बहुत ही लोगों की हेल्प में हर जगह काम आएंगे, जिस लायक है पीछे नहीं हटेंगे और हर तरह से काम आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए दैनिक दिल्ली न्यूज के साथ। नमस्कार।